अभी हम लोग क्या है कि ये अभी इंडस्ट्रियल एरिया पे घूम रहे हैं, तो अब हमने क्या है कि कई सारे यहाँ के जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी हैं, मैनेजर भी हैं कंपनी के, हम अब उनसे बात कर रहे हैं। हमें जो भी काम अच्छा लगेगा, जो भी पसंद आएगा, हम वही करेंगे। अभी ये देखो आप लोग, ये इधर पूरी कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है। और अब आपको मेरी ऐसी ही वीडियो मिलेगी, घूमते फिरते की वीडियो मिलेगी। काफ़ी बोर हो गया था यार मैं ये डेस्क वीडियो बना बना के, तो अब आपको ब्लॉगिंग वीडियो ही मिलेगी। ब्लॉगिंग आप मेरी देखोगे। मोनू भाई भी साथ में ही हैं भाई। ये मोनू भाई बोले कि यार चलो, एक पुरानी कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था, तो वही काम क्या है कि थोड़ा उनसे मिल लेता हूँ। क्या है कि पुराने आदमी हैं अपने, तो उनसे क्या है बातचीत करना था कि भाई बातचीत कर लो और थोड़ा मिल लो उनसे। पुराने आदमी थे, साथ में साथ ड्यूटी व्यूटी करते रहे होंगे। ये यहाँ पे यूनिसोर्स का ऑफिस है, तो ये यहाँ पे कोई पेपर वगैरह का कुछ काम होता है, तो जिसमें ये पहले काम करते थे, मगर क्या है कि अभी इन्होंने बात किया हुआ है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है आगे इनका। ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, बैक का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ आपको इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री दिखाई देंगी और बहुत सारी इंडस्ट्री मिलेंगी। कभी भी अगर आपको काम की ज़रूरत है ऑल इंडिया में कहीं भी, तो आप यहाँ चाकन पे अगर आप आ सकते हो तो चाकन पे आ जाओ और वर्क कर सकते हो। बहुत सारी इंडस्ट्री है। पेमेंट रेट मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट रेट बीए की पेमेंट जो है यहाँ आज भी यानी 15 से 20 हज़ार तक समथिंग बीए की है मिनिमम जो है वो बीए की पेमेंट है। बीए ग्रेजुएशन 10+2। और आईटीआई वगैरह है जो, या फिटर वगैरह है, या ये सब चीज़ अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन कुछ भी किया हुआ है, यानी टेक्निकल अगर आप हो तो टेक्निकल के लिए आपको समथिंग 30 से 40 हज़ार के बीच समथिंग है यानी टेक्निकल के लिए है। तो अगर आपने टेक्निकल किया है तो टेक्निकल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 30 से 40 हज़ार तक समथिंग पेमेंट रेंज है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। ये होटल पे आ गए हैं, चौराहे पे चाकन पे हैं। ये सामने हाईवे निकला हुआ है, पुणे हाईवे, इसी के जस्ट सामने। दोनों लोग अभी चाय पी लिया जाए, फिर उसके बाद क्या है किसी से बात करनी है, तो उससे क्या है बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल चाय ही चल रही है। इसमें एक चीज़ मैंने देखा कि ये जो स्टॉल है केवल ये चाय के लिए है। होटल क्या है थोड़ा सा बड़ी है, मगर ओनली चाय बस चलती है। इसमें केटली वगैरह दिख रही है, देखो आप केटली वगैरह नज़र आ रही हैं, बहुत सारी केटलियाँ टंगी हुई है सामने। स्पेशली मेरी नज़र इसी पे गई केटली पे, कि ये केटली यानी कि टंगी हुई तो चाय है। मस्त चीज़ है, जगह मस्त है। Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.